विरोधी भी हो तो कांग्रेस को वोट दे दो या नोटा दबा दो, लेकिन केजरीवाल को वोट मत दो। ये एक नंबर का छलिया आदमी है। 50% से लगभग तो दिल्ली के एक कोने में दंगा हो गया। अगर इनकी दिल्ली में अगर इतने सारे पार्षद आ गए और सरकार बन गई तो चारों तरफ दंगा ही दंगा होगा। गृह मंत्री साहब कहाँ थे, कहाँ गए थे जब 3 दिन तक दिल्ली चलती रही? देश की बात बताइए, दिल्ली को चाहिए सिर्फ केजरीवाल और केजरीवाल और केजरीवाल और केजरीवाल। जहाँ खड़े हैं ना, जहाँ खड़े जो पत्थर लगा है ना, ये कांग्रेस की देन है। अगर मोदी जी का राज चलेगा ना, इसको उखाड़ कर बेच देंगे।
जिम्मेदार सिर्फ मोदी 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 के अंदर सिक्योरिटी है, मोदी के अंदर सिक्योरिटी है, इसलिए आज यहाँ पे कहा थे गृह मंत्री, कहाँ थे, कहाँ था दिल्ली कमिश्नर, कहाँ था जब चल रही थी 3 दिन से 3 दिन तक दिल्ली चलती रही कोई सा भाई साहब आपके आप कैसे नशे में नहीं जाता, मैं आप कितना नशे में बात नहीं करता, आप अपने आप को देखो ताहिर हुसैन नहीं निकला, मुझे आप ताहिर हुसैन करता कहाँ कहाँ थे कमिश्नर, कहाँ थे कमिश्नर, गृह मंत्री साहब कहाँ थे, कहाँ गए थे जब 3 दिन तक दिल्ली चलती रही, करते अपनी बात बताए सिर्फ केजरीवाल और केजरीवाल और केजरीवाल और केजरीवाल सिर्फ केजरीवाल और जोर के सुनो 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 केजरीवाल ये कह रहे हैं ना सिर्फ एक कोने में दंगा हुआ था दिल्ली का चारों तरफ दंगा होने लग जाएगा, और ये कह रहे हैं ना सिक्योरिटी की बात, अगर मोदी जी है तभी आप स्पष्ट खड़े हो, उससे पहले क्या होता था आपको भी पता है कि हर जगह कहीं ना कहीं हर साल कहीं ना कहीं बम फूटता था। आप तो भाई साहब जहाँ आप खड़े हैं ना, जहाँ खड़े तो पत्थर लगा है ना, ये कांग्रेस की देन है, अगर मोदी जी का राज चलेगा ना तो उखाड़ कर बेच देंगे, सब बेच दिया, हाँ तो बेच दिया ना, जो 70 सालों में इस भारत ने अपने खून पसीने को छींच कर बनाया था सब बेच दिया। अरे क्या बेचा, मोदी जी ने छोड़े एम टेनल छोड़ा जा, प्लेन छोड़ा जा, ट्रेन छोड़ी, मोदी जी ने बेचा छोड़े जा छोड़ा क्या कुछ भी नहीं, अरे सुन लो मोदी जी ने बेचा क्या, एक तो ये कोई बात नहीं करेगा उसपे बात, वो बंदा करता है दाल दाल जो 40 रुपए बिकती थी 150 रुपए किलो बिकती है, कोई बात नहीं करेगा, पेट्रोल जो 70 रुपए लीटर बिकता था वो आज 110 रुपए लीटर, ये खा दिया यहाँ यानी साहब आज बम ये तो खादी है ना यार, खादी ये खादी भाई साहब केंद्र किसके अंदर बात है, केंद्र सरकार के अंदर, क्या पता है 90 रुपए लीटर तेल है 150 का 960 रुपए पर केज, देखो ना अपनी आंखों से दंगा कराने वाला पार्षद ताहिर हुसैन, दूसरा दंगा कराने वाला पार्षद ताहिर हुसैन ठीक है, रोजगार देने का काम दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का, क्या नरेंद्र मोदी ने ठेका लिया हुआ है 3064 रोजगार देके, तो 3064 रोजगार कर देकर और 12 लाख की बात करते हैं, सुनिए 12 लाख की बात करते हैं, अरे सुनिए 3080 से ज्यादा फ्लैट किसने दिया, नरेंद्र मोदी जी ने दिया द्वारका में, अरविंद केजरीवाल ने क्या किया घंटा बज बिल्कुल लिख कर देता हूँ चीज को साहब, ये भाई ये कहना चाह रहे हैं कि 2014 ये पहले कहीं ना कहीं डीएम एसपी एसपी के पोस्ट पे थे, उसके बाद बेरोजगार हो गए, भाई पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो ऐसे बेरोजगार हो गए, पढ़ते टाइम पे तुम जाओगे चलाने पत्थर और बाद में कहोगे कि रोजगार नहीं है, बाद में कहोगे देश में महंगाई है, 2014 के टाइम पे तुम कितना कमाते थे 5,000, आज कमा रहे हो 20,000, महंगाई तो उसी हिसाब से बढ़ेगा, इकोनॉमिक्स पढ़ो ना जाकर के, थोड़ी पढ़ाई कर लो समझ में आ जाएगा कि महंगाई क्या चीज होती है, ठीक है ना भाई साहब, रशिया यूक्रेन लड़ाई चल रहा है, आपने कोविड का सिचुएशन आया, हर चीज देखने के बाद में महंगाई इतना कंट्रोल है पूरे वर्ल्ड का, उठा लो न्यूयॉर्क हो गया और भी कितने सारे कंट्रीज हो गए, अमेरिका हो गया वहां पे महंगाई देख लो और हिंदुस्तान में महंगाई देख लो, इन लोगों को समझ में कुछ आता नहीं है, बस इन लोगों को कुछ भी बोलना है, समझ गए ना, महंगाई पाकिस्तान देख लो बांग्लादेश
क्या 99% रहेंगे तो रहेगा बात हमारा समझ या बहुत आसान भारतीय जनता पार्टी आई होता अब तक होता था